नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर आज आपका हमारे अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का ये मुकाबला होने जा रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। यहाँ पर बात करने वाले आज आप इस वीडियो में पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, कैप्टन्स की बात करेंगे, प्लेइंग 11 की, दोनों टीमों से तीन तीन प्लेयर कौन से होंगे आपको बेटर पॉइंट्स देने वाले, कि विनिंग टीम कौन सी होगी, ड्रीम 11 की टीम, टॉस प्रेडिक्शन क्या होगा आज का, प्लेयर बैटल और आज का इंपॉर्टेंस यानी कि गिव अवे क्वेश्चन क्या होने वाला है। यहाँ पर गिव अवे विनर, पिछले मैच का गिव अवे विनर है अंकुश गुप्ता। इन्होंने मतलब सही प्रेडिक्शन किया था। मतलब आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आपका नंबर और एड्रेस दे दीजिए, हम आपको पेटीएम कैश भेज देंगे। हम मतलब एक ही विनर निकला है वहाँ पर, हम पांच लोगों को 1000 रुपीज का बोनस पेटीएम दे रहे हैं। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। आप हमें नंबर दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तो आप कमेंट्स किए हैं कि नहीं, या फिर लाइक किया है कि नहीं, शेयर कहीं किया है कि नहीं, ये सब कुछ चेक करने के बाद आपको 1000 रुपीज का बोनस देने वाली है। तो दोस्तों चलिए आज की बात करते हैं। आज का ये पिच होने वाला है मतलब एकदम सही, मतलब बैटिंग फ्रेंडली पिच होता है। यहाँ पर 160 के अबो अगर रन बनते हैं तो मतलब चेस होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी हम आज की बात करेंगे। यहाँ पर न्यूट्रल पिच है, बॉलिंग पिच भी, मतलब यहाँ पर टर्न थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। कैप्टन्स की बात करेंगे तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली है और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीवन स्मिथ है। दोनों कप्तानों के अंकों को देखा जाए तो विराट कोहली का अंक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर 3, और राजस्थान रॉयल्स का कप्तान स्टीव स्मिथ का मूलांक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर 6। यानी कि मूलांक को देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि बैंगलोर की स्थिति थोड़ी सी बेटर दिख रही है यहाँ पर। तो दोस्तों बात करते हैं आगे कि यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र का ग्रह क्या कहते हैं। हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर चंद्र, शुक्र, राहु, ये तीनों एक ही स्थान पर मुझे नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ग्रहों के साथ भी मतलब एस्ट्रोलॉजी से कंपेयर करके देखा जाए कप्तानों के अंकों को, तो फिर भी मुझे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्थिति थोड़ी सी बेहतर लग रही है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात करेंगे हम, और दोनों टीमों के गुण अगर निकाला जाए, भाग्यांक किसके साथ होता है ये हम देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं प्लेइंग 11 आज की क्या होने वाली है। यहाँ पर बात की जाए प्लेइंग 11 की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, देवदत्त पड़िक्कल, एरन फिंच, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, ईशु रोडाना, वॉशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, ये इनकी प्लेइंग 11 है। फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लिंक से अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं होते हो तो फिर भी आप @heavendream13 डाल दीजिए, हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा। वहाँ पर मैं सबसे बेहतर प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, सब कुछ एकदम 100% सही जा रहा है। मतलब मैच प्रेडिक्शन हो, टॉस प्रेडिक्शन हो, या फिर ड्रीम 11 टीम, ग्रैंड लीग की टीम भी देना हमने स्टार्ट किया है। हालांकि हमारी ग्रैंड लीग की टीम थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन कर रही है अभी, मतलब पिछले 3 मुकाबले हमने ग्रैंड लीग की टीम दी है वो भी एकदम बेहतर रही है। तो दोस्तों बात करते हैं हम राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 है, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन, रॉबिन उत्तपा, रियान पराग, राहुल तेवतिया, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, कार्तिक त्यागी और जयदेव उनादकर, ये इनकी प्लेइंग 11 है। बात करते हैं अभी हम दोनों टीमों से कौन से 3 प्लेयर होंगे। यहाँ पर मुझे आज लग रहा है देवदत्त पड़िक्कल अच्छा पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, एबी डिविलियर्स अच्छा खासा पॉइंट्स दे सकते हैं, विराट कोहली भी अच्छा खासा पॉइंट्स दे सकते हैं। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, ऑलराउंडर सेक्शन में मुझे क्रिस मॉरिस का दिन अच्छा नजर आ रहा है, वॉशिंगटन सुंदर भी है, या फिर मोहम्मद सिराज, ये 3-3 प्लेयर होने वाले हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की कौन से 3 प्लेयर होंगे। मुझे आज लग रहा है स्टीव स्मिथ अच्छा खासा आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, या फिर संजू सैमसन भी आज का इनका दिन भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। जॉस बटलर का दिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मतलब वो थोड़े से रिस्की लग रहा है, एवरेज पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में बात करते हैं तो जोफ्रा आर्चर का दिन भी आज भी बेहतर जा सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं अभी विनिंग टीम आज की कौन सी होगी। विनिंग टीम के पहले हम बात करेंगे आज का गिव अवे का क्वेश्चंस क्या है। यानी कि आज का गिव अवे का क्वेश्चंस है कार्तिक त्यागी आपको इस मैच में ड्रीम 11 टीम में आपको कितने पॉइंट्स देने वाले हैं। जिसका भी सही आंसर होगा 5 लोगों को हम 1000 रुपीज का बोनस पेटीएम देने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए। हम
1000 रुपीज 5 लोगों को दे रहे हैं। हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन होगा उसका सही आंसर देते हो तो आपको 1000 रुपीज का बोनस मिलेगा। अंकुश गुप्ता जी ने हमने पिछले मैच में सही प्रेडिक्शन किया था, उनको पेटीएम कैश दे दिया जाएगा। दोस्तों आप ही हमारे चैनल से 1000 रुपीज का पेटीएम कैश जीत सकते हो, सही आंसर देते हो तो आप जीत सकते हो। फिर भी तुक्का वक्का लगा के भी आप जीत सकते हो, यहाँ पर सिर्फ आपको एक कमेंट्स करना है, एक कमेंट से ही आप जीत सकते हो। उस पर लाइक आपका चेक किया जाएगा, शेयर किए हो कि नहीं ये चेक किया जाएगा, और सब्सक्राइब किए हो कि नहीं ये भी चेक किया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं आगे, प्लेयर बैटल की टॉस प्रेडिक्शन होगा और ड्रीम इलेवन की टीम, विनिंग टीम आज की बात करेंगे। विनिंग टीम का मुझे आज लग रहा है भाग्यांक थोड़ा सा मुझे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ मुझे नजर आ रहा है। मैच में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मतलब जीत की बाजी अगर राजस्थान रॉयल्स में होती है आज तो फिर भी ये मुकाबला खिसकता हुआ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, ये विनिंग टीम मुझे लग रहा है कि आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ये मुकाबला जीत सकती है, फिर भी बाकी परमात्मा की मर्जी। बाकी हम बात करेंगे आज ड्रीम इलेवन टीम की। तो दोस्तों यहाँ पर ड्रीम इलेवन टीम में मुझे मैंने पिक किया है एबी डिविलियर्स, संजू सैमसन, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, स्टीवन स्मिथ, क्रिस मॉरिस, वॉशिंगटन सुंदर, बेन स्टोक्स, मोहम्मद सिराज, जोफ्रा आर्चर, कार्तिक त्यागी, ये मैंने टीम पिक किए हुए हैं। तो आप चाहे तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, फिर भी मैं फाइनल टीम हम टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं। हर रोज ग्रैंड लीग की टीम भी वहाँ पर आएगी, स्मॉल लीग की भी आएगी और माई टीम इलेवन की भी आएगी। मतलब माई टीम इलेवन क्यों खेलना चाहिए आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिस्क ये लिया है कि जॉस बटलर को हटाकर संजू सैमसन को लिया है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पर क्रेडिट का प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा आता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप माई टीम इलेवन पे खेलना स्टार्ट कीजिए, वहाँ पर क्रेडिट का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आप इजीली आपको जैसा चाहे प्लेयर वैसा ले सकते हो, वहाँ पर आप दो बैट्समैन के साथ भी जा सकते हो और बाकी बॉलर्स के साथ, ऑलराउंडर के साथ, दो बॉलर के साथ भी जा सकते हो, एक बॉलर के साथ भी जा सकते हो। मतलब आपको मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पर, मतलब बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही स्ट्रांग एप्लीकेशन है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मतलब एक लीगल एप्लीकेशन है। मतलब यहाँ पर हम यहाँ पर बैंक लिंक वगैरह करते हैं तो ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और रेफर कोड डालते ही आपको 200 रुपीज आपको वहाँ पर बोनस मिलेंगे। मैंने पहले बहुत वीडियो में बता चुका है कि कैसे वगैरह आपको बोनस वगैरह 200 रुपीज मिलते हैं, तो पहले के वीडियो देखे नहीं है तो देख लीजिए। और वहाँ पर आपको 200 रुपीज बोनस मिलते हैं तो आप यूज़ भी कर सकते हो। अदर एप्लीकेशन में आपको बोनस डिपॉजिट वगैरह करना पड़ता है तो फिर इसलिए बाद में यूज़ कर सकते हो। तो इसी यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप इजीली यूज़ कर सकते हो और लो कंपटीशन की वजह से आपका जीतने का चांसेस आपके 10 गुना बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रेफर कोड डाल दीजिए हमारा, आपको 200 रुपीज 100% मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो मुझे कमेंट्स में लिखकर या टेलीग्राम चैनल पर लिखकर मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आगे, ये टॉस प्रेडिक्शन क्या होने वाला है आज के मैच का। यहाँ पर आज का टॉस मुझे लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स आज का टॉस जीतेगी, क्योंकि मूलांक थोड़ा सा इनका कम है, फिर भी आज मुझे लग रहा है राजस्थान रॉयल्स आज का ये टॉस जीतेगी ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी बैटिंग करेगी बॉलिंग करेगी उनके ऊपर डिपेंड है, फिर भी मुझे लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स आज टॉस जीतकर बैटिंग करेगी। तो दोस्तों हमने जो भी प्रेडिक्शन किया है और मतलब आपको कैसे ये वीडियो लगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, और हाँ वीडियो हर एक वीडियो में आपको एक गिव अवे का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 5 लोगों को 1000 रुपीज का पेटीएम कैश मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हम 5 लोगों को हर रोज 5000 रुपीज का अलग से इनकम निकाल के रखे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कनेक्ट रहिए धर्मश्री विज्ञान के साथ। थैंक यू सो मच।